दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हम सब का फेवरेट नाश्ता पोहा। जी हाँ दोस्तों, पोहा हम सब का फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है। और क्यों ना हो, ये इतनी जल्दी जो बन जाता है और बहुत हेल्दी भी है। मैंने भी इसे बहुत सिंपल वे में बनाया है, कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं किए हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बनाया है। मेरी अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों चलिए बनाते हैं एक हेल्दी पोहा। दोस्तों इसमें सबसे पहले मैंने ये कटी हुई प्याज रखी हुई है और कटा हुआ हरी मिर्च और ये आधा नींबू। दोस्तों सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि हमें पोहा पहले ही धोकर रखना है, उसको सफिशेंट टाइम मिल जाएगा ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर ले और अच्छे से फ्लफी और सॉफ्ट हो जाए। तो ऐसी जाली वाले बर्तन में ही आपको अच्छे से धोना है और रख देना है साइड में। फिर हम ये मैंने इसमें तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और सरसों का तेल ना यूज़ करें क्योंकि उसका थोड़ा सा टेस्ट आता है, वो अच्छा नहीं लगता है पोहों में। और लगभग ये 2 चम्मच मैंने तेल लिया होगा। इसमें मैंने मूँगफली डाल दी है, सबसे पहले मैं इसी में मूँगफली भूंज लूँगी और इसके बाद इसी में ही मैं पोहा बनाऊंगी। ये मैंने कैनोला ऑयल है मेरे पास अभी, तो मैंने अभी यही यूज़ किया हुआ है। और सबसे पहले मैंने ये राई डाल दी है, जीरा यूज़ मत करना, कई लोग जीरा ही डालते हैं, वो पोहे में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है पोहे में जीरा, तो मैं तो राई यूज़ करती हूँ। तो जैसे ही चटकने लगे फिर हम ये डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च। जैसा कि मैंने कहा था कि कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसमें सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, प्याज को बस पकाना है, हरी मिर्च प्याज, और ये पोहा बहुत ही अच्छा बनता है, मार्केट से अच्छा बनता है, सॉफ्ट भी होगा और फ्लफी भी। देखिए पोहा ये है, मैंने चेक किया है, ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट और फ्लफी हो गया है ना। बस हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए इसका ऐसे ही टेक्सचर होना चाहिए। पोहे में कुछ पकाने वाला नहीं होता है दोस्तों, इसलिए हमें तेल यूज़ करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है। और ये प्याज और हरी मिर्च पक गए हैं, अब इसमें बस हम थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा हल्दी ऐड नहीं करेंगे, कई लोग बहुत ज़्यादा हल्दी ऐड कर देते हैं, बहुत थोड़ा सा पिंच करना है, जस्ट इसका कलर लाना है हमें, और कलर बहुत अच्छा ग्रीनिश येलो कलर आता है पोहे का, तभी पोहे बहुत सुंदर लगते हैं, तो वही कलर आएगा अभी आप देखना। और ये मैंने पोहा डाल दिया है और बस बहुत सिंपल रेसिपी है। कई लोग इसमें शुगर भी ऐड करते हैं, खट्टा मीठा टेस्ट आता है, बट मैंने नहीं ऐड किया है शुगर, इस पॉइंट पे आप कर सकते हैं। तो बस आपको मिक्स करना है पोहा अच्छे से, और अच्छे से मिक्स करते हुए ताकि हल्दी का जो कलर है वो सभी में अच्छे से आ जाए। और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे फ्लेम, क्योंकि हमें पोहा पकाना नहीं है, जस्ट मिक्स करना है। ये मैंने लेमन डाल दिया है और फ्लेम लो ही रखेंगे। ये नमक डाल दिया आप, और बस आपको मिक्स करना है। और एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप करनी है, वो है हमें पानी का छिड़काव देना है, जिससे इसमें एक स्टीमी फ्लेवर आए, जो स्टीमी फ्लेवर नहीं कहेंगे, मतलब स्टीम लाइक जब वो कुक होते हैं वो चीज़ इसमें आएगी। आप 5 मिनट के लिए इसे ढक देंगे और फ्लेम बंद कर देंगे। आफ्टर 5 मिनट्स आप देखेंगे दोस्तों, ये पोहा हमारा बन के तैयार हो गया और ये बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लफी बना है। और धनिया से ये गार्निश कर दिया है मैंने, बहुत सुंदर लग रहा है, आप देखिए ग्रीनिश येलो जो कलर आया है, ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो खाने का तो मन कर रहा है ना, देखने का मेरा भी बहुत कर रहा है, तो मैं तो बस अब जा रही हूँ खाने, क्योंकि ये मेरा सुबह का नाश्ता है, क्योंकि मेरा फेवरेट है ये, तो मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही है, मैं जा रही हूँ इसे खाने। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग,